नव शुरुआत के साथ ही रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रोड सेफ्टी वीक 1 जनवरी से 7 जनवरी तक मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मंगलवार को जिला पंचकुला की उपायुक्त आशिमा बराड़ ने किया। इस मौके पर शहर की विभिन्न ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक व वाहन चालक और कर्मचारी मौजूद थे। रोड सेफ्टी संस्था के प्रमुख सुभाष कपूर एवं RTO ने उपस्थित लोगों को सड़क यातायात नियमों व वाहन चलाते वक्त किस तरह की एहतियात बरती जाए इस बारे में जानकारी दी। जिला उपायुक्त ने ट्रैफिक नियम सप्ताह के बारे में बताते हुए कहा कि पूरे सप्ताह स्कूली बच्चों, वाहन चालकों एवं शहर के लोगों को विभिन्न शिविरों का आयोजन कर इस बारे में जानकारी दी जाएगी एवं सुरक्षा नियमों के बारे में जो लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं उन्हें जागरूक किया जाएगा। 1 से 7 तारीख तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के इसमें कोशिश की जा रही है कि रोड को कैसे सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए और गाड़ियों में ट्रैवल करने वाले तथा पेडेस्ट्रियंस किस तरह से सेफली अपना सफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी ट्रैफिक नियम्स की सही ढंग से पालना करें। खास करके बहुत ही दुखद घटना जो दिल्ली में हुई है, उसके बाद बहुत विचार विमर्श और मंथन पूरे देश में इसके ऊपर हो रहा है और जो पंचकुला ज़िला है उसमें भी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और पुलिस डिपार्टमेंट है, ये मिल कर के एक कंपेन अपनी चलाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी और कड़े मेजर्स लिए जाएंगे ताकि कोई भी अवहेलना ट्रैफिक नियमों की ना हो। जो पब्लिक व्हीकल्स हैं उनको जो परमिट्स होते हैं या फिर जो रेगुलेशंस हैं, लाइसेंसेस हैं, उनका वो सही भली भांति वो रखें। इन जनरल ये कोशिश की जाती है, डिपार्टमेंट द्वारा पासिंग भी करते हैं। पासिंग का भी ये मकसद रहता है कि जिस समय नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होना है तो वो जो ड्राइवर है और जो व्हीकल है उसमें जो जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी सही पालना हो। जो कैंपेन्स होती हैं अवेयरनेस कैंपेन, वो भी एट डिफरेंट लेवल्स होती हैं, स्कूल्स में भी होती हैं, ड्राइवर्स जो हैं उनके लिए विशेष कैंपेन्स की जाती हैं, आई टेस्टिंग कैंपेन्स की जाती हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि ये अपने सही रूप में होनी चाहिए ताकि इसका फल 100% सही 100% सभी को मिले। इस दौरान उन्होंने लोगों को सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा नियम अपनाने की बात कही। कहीं पर ऐसा नहीं है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो इस चीज़ को देखें। मैं अभी जो संबंधित अधिकारी हैं उनको हम अपने निर्देश भी देंगे कि ऐसा बिल्कुल भी सड़क सुरक्षा से संबंधित जितने भी नियम हैं उनके कड़ाई से पालना। बहरहाल 2 जनवरी से जागरूक शिविर का आयोजन किया जाएगा, वहीं 3 जनवरी को ड्राइवर्स की आंखों का चेकअप के लिए एक कैंप लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।